आप देख रहे न्यूज 18, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और इस वक्त बड़ी खबर और अच्छी खबर, लखनऊ से वाराणसी के लिए हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वाराणसी जाने वाली फ्लाइट का शुभारंभ किया। सीएम योगी ने यात्रियों को अपने हाथों से टिकट दिया। इस कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, रविन्द्र जायसवाल, दयाशंकर मिश्र दयालु और अनिल राजभर मौजूद थे। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 6 सालों में यूपी में हवाई सेवा का काफी विस्तार हुआ है। पिछले 6 वर्ष के अंदर वायु सेवा को जिस तीव्र गति से विस्तार हुआ है, मुझे याद है 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के पूरी तरह क्रियाशील 2 एयरपोर्ट थे, वाराणसी और लखनऊ। गोरखपुर और आगरा आंशिक रूप से क्रियाशील थे। प्रयागराज कुंभ के समय हम लोगों ने उसे प्रारंभ किया था और अब वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं। इधर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। नकवी ने कहा कि राहुल गांधी कभी भी सही तर्कों के साथ बात नहीं करते। नकवी ने राहुल गांधी को पॉलिटिकल प्ले स्कूल में दाखिला लेने की सलाह दी है। सज्जन है, जेंटलमैन है या मेंटलमैन है, मैं क्या इस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इस घमंडिया घराने का घटिया तराना बन गया है ये। अब ये जो जेंटलमैन या मेंटलमैन जो भी आप कहिए, ये जो है घमंडिया घराने के घटिया तराने से ज्यादा कुछ नहीं रह गए और हड़बड़ी में चौतरफा गड़बड़ी के हिस्ट्री शीटर बनने की होड़ में लगे हुए हैं। आपको जो है, मुझे अफसोस तो ये हो रहा था कि जिस समय इस तरह की बकवास बहादुरी वो कर रहे थे या बेवकूफियां कर रहे थे, उस वक्त उनकी मम्मी जी उनको बकअप कर रही थी। अरे भैया, उनको समझाते हैं और मैं तो उनको बिना मांगी सलाह दूंगा कि इन अपने पप्पू जी को जो इतने बड़े हो गए हैं इस समय, उनको किसी पॉलिटिकल प्ले स्कूल में या पॉलिटिकल पाठशाला में प्रवेश करा दें, ताकि वो तर्कों और तथ्यों के साथ क्या बात की जाती है, कैसे बात की जाती है, उसको समझ सकें। क्योंकि मोदी जी जो बोलते हैं वो सुनना नहीं चाहते। कम से कम अमित शाह जी ने जो कल जिस तरह से तर्कों और तथ्यों से भरपूर बातें रख करके और इन सभी लोगों की बोलती बंद की, कम से कम वही समझ लेते, सुन लेते तो भी इस तरह की बेवकूफी ना करते। न्यूज 18 से बातचीत में एसपी सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। हसन ने कहा कि बीजेपी सरकार में हर वर्ग के लोग परेशान हैं, मुसलमान खौफ में जी रहा है। देखिए, इस वक्त आपको मालूम है उत्तर प्रदेश की जनता बहुत परेशान है, हर वर्ग परेशान है, चंद लोगों को छोड़ के जो इनके दोस्त हैं, और खास तौर से मुसलमान की हालत बहुत बुरी है। एक फिक्र के माहौल में, कहीं कहीं खौफ के माहौल में वो जी रहा है। दलित ओबीसी का क्या हाल है, को कहीं उसकी कोई पूछ नहीं है। तो अगर उनके दुख दर्द को बांटने के लिए साइकिल रैली हम निकालते हैं, उन तक पहुंचते हैं, तो उनके जख्मों पे मरहम रखने जा रहे हैं। और चुनाव में जो फायदे होने हैं या नहीं होने हैं, इसका इससे ताल्लुक नहीं है, इंसानियत का इससे ताल्लुक है। आप कह रहे हैं खासकर अल्पसंख्यकों का दर्द समझने जा रहे हैं, लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मुस्लिमों को धोखा दे रहे हैं। देखिए, वो उनकी अलग रणनीति है, वो मुसलमान को अपना वोट बैंक समझते हैं, लेकिन जो मुसलमान के दुश्मन हैं, जो इस्लाम के दुश्मन हैं, उनके लिए वो कभी कुछ नहीं कहते। और जिन लोगों ने मुसलमान के हक की बात करी है, मुसलमान को इंसाफ दिया है, उनके लिए हमेशा कहते हैं।
और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ से आरएलडी के विधायक ने मुलाकात की है। जन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से उनकी ये मुलाकात थी। बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान को लेकर उन्होंने सीएम से बात की है। किसानों को फ्री बिजली जैसी मांगों को लेकर भी ये मुलाकात बताई जा रही है। तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ से आरएलडी के विधायकों की ये मुलाकात की तस्वीर आप देख रहे हैं। सीएम अपने दफ्तर में बैठे और उनसे मिलने के लिए पहुंचे आरएलडी के विधायक। इनका कहना है कि इन्होंने गन्ना किसानों की बातों को मुख्यमंत्री के सामने रखा है, बकाया भुगतान की अपनी मांग रखी और साथ ही किसानों को फ्री में बिजली मिले इसके लिए क्या व्यवस्था की जा सके इन मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखा है। खबर ललितपुर से, जहां गांव में स्थित घर में आए दिन आग लग रही है। कभी घर के कपड़े जलने लगते हैं तो कभी घर में रखा सामान जल उठता है। अभी तक टीवी फ्रिज सब कुछ जल चुका है। दो मंजिला घर के अंदर कहीं भी कभी भी आग लग जाती है। परिवार के लोगों के कपड़े टीवी फ्रिज सब जल चुके हैं। यह सिलसिला बीते 15 दिन से चल रहा है। आग कैसे लगती है यह अभी तक पता नहीं चल पाया। आग के लगने के साथ ही लोग दहशत में आ जाते हैं। घर में सभी लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। फिलहाल परेशान परिवार के लोग पूजा पाठ की तैयारी में भी लगे हैं। लग रही है मकान में ऑटोमेटिक। अच्छा। ऑटोमेटिक लग के पूरा जो दही दूध घी सब जल गया। अच्छा। जलवे के बाद भूसा मुसा सब कंडा नकड़िया न बना पा रहे न खा पा रहे न ले पा रहे न सो पा रहे। कूलर फ्रिज टीवी सब जलवा दुकान भी। कैसे आग लगी? आग ऑटोमेटिक न कोई लगा रहा न कोई भूत न प्रीत अपने आप ऑटोमेटिक जल रही। बहुत परेशान है हम 15 दिन से। हम इसी गांव के रहने वाले हैं और हमारे जो इस घर में घटना हो रही है जी, इनका नाम है राजपाल डॉक्टर साहब हैं जी। यहाँ पे करीब 25 दिन से रेगुलर प्राकृतिक की वजह से आग लग रही है और इसमें ना तो कोई दिखता है आग लगाने वाला और ना किसी को पकड़ पा रहा है। उधर कानपुर में SC ST एक्ट के गलत इस्तेमाल से चौबेपुर के पन्नोपुरवा गांव के लोग परेशान हैं और वो सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आरोपों के मुताबिक एक दबंग दलित परिवार पिछले कई महीनों से पूरे गांव के लोगों को परेशान कर रहा है। आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर थाने पहुंच जाता है और केस लिखवा देता है। बिना किसी तथ्य के गांव के कई लोगों के खिलाफ मुकदमे अब तक लिखे जा चुके हैं। हालांकि कुछ मामलों में कॉम्प्रोमाइज भी हुआ और उनसे मोटी रकम इस परिवार ने वसूली है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि CO मामले की जांच कर रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। शासन प्रशासन पूरी मदद कर रहा है, जो दोषी होगा उसी को जेल भेजा जाएगा। हम योगी जी की सरकार से हमें पूरा भरोसा है और ये भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगा। अगर हमको ये हमें पूरा भरोसा है, नहीं तो हम सब लोग योगी जी के चरणों में, सब पूरा गांव योगी के चरणों में जाके गिर जाएंगे। एक व्यक्ति से पूरा गांव परेशान है। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 15 लोग के खिलाफ वो मुकदमा लिखवा चुका है और जब भी उसका कोई विरोध करता है तो उसके खिलाफ SC ST का मुकदमा लिखाता है, जिससे हैरान और परेशान गांव वालों ने अधिकारियों से लेके प्रशासन तक इसकी शिकायत की है। हालांकि पुलिस ने इसकी जांच के निर्देश तो जरूर दिए मगर क्षेत्रवासी दहशत में है। सुपरस्टार रजनीकांत उत्तराखंड में है। सूत्रों के मुताबिक चार धाम यात्रा पर रहेंगे रजनीकांत। आज ही उनकी फिल्म जेलर रिलीज हुई है, जिसे लेकर दक्षिण भारत और ओवरसीज में उनके फैंस में जबरदस्त क्रेज है। सुपरस्टार बुधवार शाम देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से सीधे ऋषिकेश के एक आश्रम में उन्होंने वक्त बिताया। बेहद सादा जीवन निभाने वाले रजनीकांत अपने फैंस के बीच थलावी नाम से भी जाने जाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, रजनीकांत पहुंचे हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड की वादियों में और वहां के लोगों से मुलाकात करते हुए बताया जा रहा कि चार धाम यात्रा पर रजनीकांत निकले हैं और इस उम्र में भी काफी एक्टिव रजनीकांत और उनकी फिल्म रिलीज हुई है, आज ही फिल्म रिलीज हुई है और इस फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज पहले से ही देखने को मिल रहा है। जब से टीजर सामने आया था तब से इस फिल्म का इंतजार चल रहा था। जेलर फिल्म रिलीज हो चुकी है और ऐसे में रजनीकांत चार धाम यात्रा पर निकले हैं और रजनीकांत के तमाम फैंस उनकी फिल्म के रिलीज होने के बाद अब हिट होने की कामना कर रहे हैं।
खबर आजमगढ़ से, जहां छात्रा श्रेया तिवारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में पुलिस ने स्कूल की प्रधानाचार्य सोनम मिश्रा और क्लास टीचर को क्लीन चिट दे दिया, जिसके बाद दोनों को जेल से रिहा किया गया। मगर स्कूल प्रबंधन पर प्रशासनिक कार्रवाई की तलवार अभी भी लटकी हुई है। हालांकि स्थानीय पुलिस की जांच पर सवाल भी उठ रहे हैं। इस बीच इस केस की जांच मऊ जनपद के सीओ सिटी धनंजय मिश्रा को सौंपी जा चुकी है। इस केस की असलियत सीओ सिटी की जांच के बाद ही बाहर आ सकेगी। आपको बता दें 31 जुलाई को संदिग्ध परिस्थितियों में तीसरी मंजिल से गिरने से छात्रा श्रेया की मौत हो गई थी। 4 सदस्यीय टीम ने कई घंटे तक कॉलेज परिसर में बारीकी से छानबीन की, जरूरी पत्रावलियों को तलब किया। छात्रा के परिजनों ने अपनी बेटी की हत्या की बात कही और ये केस दर्ज करवाया है। जिला प्रशासन व अपने वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश पे हम लोग ये देखने गए थे कि विद्यालय में सुरक्षा के मानक जो होने चाहिए हमारे विभागीय नियमों के तहत वो है कि नहीं। उसमें दो, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू था तो उसके लिए अभियंता भी साथ में थे, और एक था कि बच्चे के साथ जो बर्ताव हुआ वो हमारे नियमों के अनुसार था कि नहीं। तभी हम लोग परीक्षण कर रहे हैं, अभी रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही बताया सकता है कि। और अगली खबर अयोध्या से, जहां वन्य जीवों के अंगों की तस्करी करने वाले गिरोह की गिरफ्तारी हुई। 4 शातिर हत्थे चढ़े पकड़े गए तस्करों के पास से टाइगर के दांत, तेंदुए के नाखून और जैकाल के नाखून के अलावा सियार सिंगी और जलीय जीव के अवशेष बरामद हुए। शातिर वन्य जीवों के अंगों के अवशेष को बेचने की कोशिश में थे, तभी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो UPSTF और वन विभाग की टीम ने छापेमारी की। सभी के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई। छापा मारा गया, कहीं बहुत जगह छापा मारा गया। एक जगह यहाँ पर कुछ टाइगर बाघ के दांत मिले हैं, सियार संघी मिला है, जलीय जीवों का अवशेष मिले हैं, और उसी के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत सेक्शन 9 और सेक्शन 39/51 के अंतर्गत इन लोगों को पकड़ा गया है, सीज किया गया है, मटेरियल को सीज किया गया है और इन लोगों को अयोध्या कोतवाली में डाल दिया गया है। उधर सुल्तानपुर में रिश्ते तार तार हो गए। पारिवारिक विवाद में एक कलयुगी चाचा ने 5 साल के भतीजे की गला घोटकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक शव को कुएं से निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बल्दी राय थाने के दहली गांव का ये मामला, जहां पारिवारिक विवाद में चाचा ने अपने 5 साल के भतीजे की हत्या कर दी, शव को कुएं में फेंक दिया। शक होने पर पुलिस ने मृतक के चाचा से पूछताछ की, जिसके बाद आरोपी ने सब कुछ कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बहराइच में SSC की परीक्षा पास न होने के चलते एक युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक का शव घर के अंदर बरामद हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देहात कोतवाली क्षेत्र का यह मामला है, जहां मृतक लगातार 5 साल से SSC की तैयारी कर रहा था और इस साल लिखित परीक्षा पास भी कर चुका था, लेकिन फिजिकल टेस्ट पास न होने की वजह से युवक ने यह कदम उठाया। बाराबंकी में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति के मर्डर की खौफनाक साजिश रची। पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया, महिला और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने प्रेमी के साथ मिलकर 25 जुलाई को पति की हत्या की थी, ये जानकारी दी है। महिला का गांव के ही एक व्यक्ति से अफेयर चल रहा था, इसलिए महिला ने पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। टिकैत नगर थाना के नवीपुर खेतासराय में एक 25 जुलाई को घटना हुई थी, जिसमें मृतक संजीत की पत्नी ने अपने ही गांव के एक प्रेमी से मिल करके ज़्यादा शराब पिला करके दुपट्टे से कस के इन दोनों ने उसकी हत्या कर दी थी। और मायके वाले लोगों को, अपने भाई को, पिता को बुला करके और घर के लोगों को, घर में सिर्फ माँ ही थी, कन्विंस करके रात को ही डेड बॉडी को जला दिया था इन लोगों ने, जिससे पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया था। उधर बलिया पुलिस ने पिकअप में लदी अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त की है। पुलिस ने पिकअप में लदी 13 लाख की अवैध शराब बरामद की। 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपों के मुताबिक ये लोग पिकअप में अनाज की बोरियों के नीचे छिपाकर शराब की पेटियां ले जा रहे थे। मौके से 2 शराब तस्कर भाग निकले, जबकि 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं
पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध शराब की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद की रेवती थाने के पुलिस और आबकारी की टीम को संयुक्त रूप से एक बड़ी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। मुखबिर के द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पिकअप में कुछ लोग शराब को ले जाकर के बिहार में तस्करी की फिराक में हैं। उप सूचना के क्रम में रेवती पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा की गई कार्रवाई में एक पिकअप को पकड़ा गया है, जिसमें से 25 बोरी चावल और 20 बोरी सुतली के नीचे लगभग 825 लीटर भिन्न भिन्न ब्रांड की शराब बरामद हुई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।